ऐसे मुझे याद रहा एक बार ईद के दिन यंग बॉयज वर बीइंग किल्ड, तो क्या था कि एक कार्टून बनाया था मैंने ईद पे, इट वाज अ वेरी सिंपल वन, एक ग्रेव पे और एक बाप है और ग्रेव से एक आवाज आ रही है, सो इट्स अ कॉल आउट, बाबा ईदान. सो इट हिट मोस्ट ऑफ द पीपल. कार्टूनिस्ट कैप्चर कर पाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. इस मैसेज में कई सारे, इस कार्टून में कई सारी मैसेजेस कन्वे होती है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस भी हुआ, यू नो, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ लॉस और क्या हो रहा है और फ्यूचर कैसा है. बिकॉज ये हंड्रेड्स ऑफ कार्टून्स हैं और ये इसका मैं मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो जाता है कार्टून लोगों में, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक होता है एस्टैब्लिशमेंट की, यूजली अबाउट ह्यूमन राइट्स, यूजली अबाउट वायलेशंस. या मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं उनमें एक कॉमन थ्रेड होता है, ह्यूमन वैल्यू का, ह्यूमन टेंडेंसी का, तो जहाँ पे वो हिट करता है. तो जो कॉमन फीडबैक मुझे मिला है अपने ऑडियंस से, वो ये कहते हैं कि हम ना यही बात कहना चाहते थे जो आपने कही, लेकिन हमें पता नहीं था हम कैसे कहें, तो आपने वही बात कही. कई सारे लोग ये भी कहते थे कि दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू इन द मॉर्निंग, कि हम कार्टून ढूंढते हैं. सो एक कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ. वो कनेक्शन क्या होता है, ये जो आप और मैं फील कर रहे हैं सिचुएशन को लेके एज अ ह्यूमन बीइंग. कार्टूनिस्ट एक रिपोर्टर नहीं है जी, कार्टूनिस्ट एक कमेंटेटर है, विजुअल कमेंटेटर. तो ओपिनियन है मेरा. सो मेरा एज अ रूल पॉलिटिकल कार्टूनिंग का ये रहा है, आई विल बी ऑन द साइड ऑफ द अंडरडॉग. जिस पे जुल्म हुआ है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि वो एक फैक्ट है. मैं वहां पे इम्पार्शियल नहीं होऊंगा, सीधी सी बात है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा. कार्टूनिंग एक्चुअली मेरा 1998 से स्टार्ट हुआ था जी. सो ग्रेटर कश्मीर में मैंने पहली बार कार्टून्स का इंट्रोडक्शन किया था, इनसाइड आउट नाम से. तो चार साल में रहा वहाँ पे, उसके बाद आई वेंट आउटसाइड. तो आई स्टेड इन दिल्ली फॉर लाइक मोर देन डिकेड. मैंने काम किया है वहाँ पे, मेरा फील्ड मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, ई लर्निंग और यू नो रिच मीडिया डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग वगैरह में चला गया था. एक्चुअली काफ़ी टाइम से यू नो कश्मीर में जो है सेंसरशिप है जर्नलिस्ट पे और कार्टूनिस्ट पे खासकर, इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वाला, कोई स्टोरी मान लीजिए, उसके बारे में लिखा तो जा सकता है, यू विल फाइंड कि न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखा जा रहा है एज अ रिपोर्ट. लेकिन अगर उसके बारे में एक विजुअल बनाया जाए एज ए कार्टून, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसमें चांस रहता है कि वो ना छपे जी. तो ये प्रॉब्लम है सेंसरशिप का, और ये रही है ऐसी प्रॉब्लम काफी टाइम से. इसकी वजह से क्या होता है कि एक एज अ कार्टूनिस्ट एक माइंड सेट बन जाता है. तो सबसे पहले इंसान खुद ही सेंसरशिप स्टार्ट करता है इन मंस थॉट कि मैं ये जो बनाऊंगा इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगी, कोई कुछ तो नहीं होगा. काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था और ये प्रेशर खासकर फरवरी के महीने के बाद ये प्रेशर थोड़े ज़्यादा बढ़ने लगे. जैसे कि आपको पता है न्यूज़पेपर्स के एड्स स्टॉप हो गए, बंद हो गए, गवर्नमेंट एड्स
तो रेवेन्यूज पे असर पड़ा और उसका असर सब पे पड़ा। और देन एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ा कि यू नो मेरे को शायद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टैलेंट है हमारा कश्मीर में उस पर असर पड़ता है, यंग टैलेंट। तो फिर अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि वो टैलेंटेड है यहाँ पे, चलो जी यहीं पे बैठ के और कहाँ जाएगा, यहीं पे करेगा। ऐसा नहीं है, वो ज़माना चला गया। यू नो अपने कश्मीर से यंग बच्चे, लड़के लड़कियाँ कहाँ कहाँ नहीं काम करते दुनिया।